नमस्कार, शांति किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ तरोई की मसाले वाली सब्जी। तो मैंने ये 2 चम्मच तेल डाल दिया पैन में। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। आधा चम्मच जीरा है, दो प्याज कटे हुए इस तरह से मैंने काट लिया है, ब्राउन हो गया है। अब इसमें दो हरी मिर्च डालेंगे, दो हरी मिर्च कटी हुई है, ऐसे लंबाई में काट लिया है। ये 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसमें मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, दो टमाटर की प्यूरी, और इसको तेल छोड़ने का भूनेंगे। मसाला भून गया है, अब इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। ये 250 ग्राम तरोई है, इसको मैंने ये 1.5 इंच का ये टुकड़े में काट लिया है लंबाई में। और ये तीन आलू है, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। अच्छी तरह से मिला देंगे, तो सब्जी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और हम इसमें 3 चम्मच पानी डालेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पे ढक कर 5-7 मिनट तक पकने देंगे, क्योंकि तरोई तो जल्दी गल जाएगा। ये आलू इसमें डाले हैं, आलू में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब्जी अब गल गई है, इसको 5 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो सब आलू गला नहीं था, तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढक दिया। ये 15 मिनट लगे हैं इसको पकने में। अब इसमें हम ये 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे।